हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 23 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार विजेता चार्ल्स क्रॉथमेयर का निधन हो गया, इसका संबंध किस देश से है? तो इसमें आंसर आएगा चार्ल्स क्रॉथमेयर का संबंध यूनाइटेड स्टेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद सुब्रमण्यम को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो इसमें आंसर आएगा 16 अक्टूबर 2014 को। और हाल ही में अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट जल को ट्रीट करके पीने लायक बनाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा राज्य में मौजूद जल संकट एवं दूसरे राज्यों पर निर्भरता को देखते हुए अपशिष्ट जल प्रबंधन योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत जल बोर्ड ने ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ट्रेन में ट्रेन कप्तान नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा ट्रेन कप्तान नामक योजना की शुरुआत वेंकटाद्रि एक्सप्रेस में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही समय में एक स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें आंसर आएगा कोटा ने। कोटा में राज्य स्तरीय योग समारोह में लगभग 1,60,000 लोगों ने 21 जून को एक ही समय में एक स्थान पर योग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण विश्व भर में कितने लोगों की मौत हुई? तो इसमें आंसर आएगा 2016 में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगभग 42 लाख लोगों की मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जहां विश्व का पहला मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र आरंभ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा गुजरात में, और यह गुजरात के गांधीनगर में आरंभ हुआ। यह भारत, भूटान, नेपाल और मालदीव और गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के क्षेत्रीय प्रतिमंडल का संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने हाल ही में किस ग्रह के आकार के एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो इसमें आंसर आएगा शनि ग्रह के आकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और इसके अलावा सभी वाटर स्पोर्ट्स के नियमन को लेकर 2 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश दिया है, और नीति निर्धारण तक राज्य में इन पर रोक लगा दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने SBI के MD बी श्रीराम को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के CEO एवं MD के रूप में 3 महीने के लिए अस्थायी तौर पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो इसमें आंसर आएगा IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JAM ट्रिनिटी डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर के रूप में भारत के गरीबों को सीधा लाभ देने के लिए भारत सरकार की पहल को संदर्भित करती है। JAM का मतलब क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शनों में JAM का मतलब है, J से आ गया जनधन, A से आ गया आधार और M से आ गया मोबाइल। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2018 को भारत और किस देश के बीच 2+2 डायलॉग आयोजित होगा? तो इसमें आंसर आएगा भारत और अमेरिका के बीच, और यह वाशिंगटन DC में आयोजित होगा, और इस डायलॉग में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में जम्मू कश्मीर राज्यपाल के सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसमें आंसर आएगा
के विजय कुमार को और छत्तीसगढ़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बी वी आर सुब्रमण्यम को राज्यपाल ने मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कोकून निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा ऑपरेशन कोकून तमिलनाडु पुलिस के विशेष कार्य बल द्वारा जंगल दस्तु वीरप्पन को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा WHO के वर्तमान महानिदेशक है रॉबर्टो अजेवेडो, और इन्हें 1 सितंबर 2013 को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और ये WHO के छठे महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित वर्ष क्या है? तो इसमें आंसर आएगा 17 वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक निर्धारित वर्ष है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 को मनाया गया, इस वर्ष के योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसमें आंसर आएगा इस वर्ष के योग दिवस की थीम थी योग फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट परफॉर्मिंग सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा किदाम्बी श्रीकांत को, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेले का शुभारंभ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा अंबुबाची मेले का शुभारंभ असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर चौबे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस सेक्टर से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा प्रभाकर चौबे पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आतंक विरोधी कानून के तहत भारतीय सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा और खुरासान प्रांत में ISIS को बैन कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा 1967 का गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक इलाज केंद्र यो वन का उद्घाटन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह 22 जून से किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर है? तो इसमें आंसर आएगा गृह मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया देश के दौरे पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है, यह दिन शरणार्थियों को सम्मान दिलाने और उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदप्रद उद्देश्य के लिए मारिजुआन यानी गांजा को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा उरुग्वे। और अभी हाल ही में कनाडा की सरकार ने मारिजुआन यानी गांजा को आनंदप्रद उपयोग को वैध बनाया, और कनाडा ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है, और सबसे पहला देश रहेगा उरुग्वे। आपके लिए कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में से ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शंस है विश्वास मांडलिक, सौरभ जायसवाल, निधि सेन और दीनदयाल शर्मा। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।